इस वक्त दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गुरुवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोलियों से भून डाला। वारदात शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार के रेमंड शोरूम के अंदर हुई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस की टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोहना मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे सुखबीर उर्फ सुक्की गुरुवार की दोपहर बाद करीब 3:30 बजे गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित गुरुद्वारा रोड पर रेमंड के शोरूम में कपड़े खरीदने पहुँचे थे। तभी हथियारों से लैस 4-5 बदमाश शोरूम में घुस गए। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 10 से ज़्यादा राउंड फायर किए, जिसमें सुखबीर और सुक्की को कई गोलियां लगी। खून से लथपथ सुखबीर को तुरंत पास में ही स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाश सुखबीर का पीछा करते हुए शोरूम के भीतर घुसे। फायरिंग के वक्त शोरूम के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से छुपकर अपनी जान बचाई।